ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਆਓ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ये मरे क्या तुझे मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी कुसोली की भी याद दिलाएंगे ये प्रधानमंत्री मैं तो दुनिया ले रही है मैं तो दुनिया ले रही है अब ले लेना था ये ये हमारी जो काउंसिल है उसके चेयरमैन साहब, हमारे वाइस चेयरमैन साहब और हमारे बीडीसी काउंसिल के मेंबर साहब जितने भी यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे और भी जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, हमारे सीपीओ साहब, एसीडी साहब, एसीपी साहब, सबसे पहले तो मैं हमारी पूरी काउंसिल का, खासतौर पर हमारे ऑनरेबल चेयरमैन साहब का, हमारे वाइस चेयरमैन साहब का, आप सभी मेंबर्स का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप लोगों ने कॉपरेशन पूरे टाइम जो है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ किया और जिसके वजह से एक अच्छे माहौल में हमारा काम हमेशा चलता रहा। हो सकता है कि किसी न किसी इशू पर हमेशा जो है आपके और हमारे डिसएग्रीमेंट रहे होंगे और आगे भी जो डीसी रहेगा उससे भी रहेंगे, जरूर रहेंगे, वो तो नॉर्मल कोर्स है क्योंकि आपने जो आपको लगता है पब्लिक हित में ठीक है आपने उसकी बात करनी है, कई बार वो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन में नहीं आ रहा होता है तो हमने उसमें आपको भी बताना होता है कि ये इस टाइप से करना है। और क्योंकि अभी हमारी काउंसिल भी नेसेंट स्टेज में है तो ये वो स्टेज है जो कि मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप जो आज नज़ीर बनाएंगे वही आगे चलनी है, आप जो आज इंस्टीट्यूशन सेटअप करेंगे वही आगे चलना है। अभी हमारा जो सेटअप है ये पूरा बिल्कुल नया नया बना है, आपको भी नहीं पता है किस तरीके से काम करना है, हमारे ऑफिसर्स को भी नहीं पता है कि किस तरीके से आपसे डील करना है, वो एक है जो कि हम सब सीख रहे हैं। तो मैं ये आप लोगों से ये आशा करूँगा कि जिस तरीके से आपने मेरे साथ कोऑपरेशन किया उस तरीके से आप आगे वाले डीसी साहब को भी उसी तरीके से कोऑपरेशन करेंगे और हमारे बचे हुए ऑफिसर्स को भी उसी तरीके से कोऑपरेशन करेंगे। और आपका बहुत बहुत मैं धन्यवाद भी करूँगा जो आपने हमेशा जो है जब भी कोई इशू हुआ तो आपने उसको जो है कोऑपरेट हमारे साथ किया, हमेशा जो है मिलजुल कर काम कर पाए। ज़्यादातर हमारा काफ़ी सारा टाइम कोविड में भी चला गया जिसकी वजह से मीटिंग्स भी नहीं हो पाई शुरू के पीरियड में, तो हमारे कुछ हमारे चेयरमैन साहब को भी कुछ और मेंबर्स को भी हमारे कोविड भी हुआ, लेकिन एक हमने मिलकर उसका भी सामना किया, हम उससे बाहर निकले। उसके बाद अब हमारा डेवलपमेंट की भी काफ़ी सारी पिछले कुछ टाइम में एक्टिविटी स्टार्ट हुई कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, अगले एक दो साल में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट का काम होना है, इसमें से काफ़ी सारे काम आपके स्टार्ट भी हो गए हैं कि हमारा जो एक्सप्रेस वे बनना है उसका ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अभी हाल में ही फाउंडेशन स्टोन रखा है, उसका हमारे मैक्सिमम हमारे जो है वो अवार्ड भी हो चुके हैं। और इससे मतलब कठुआ डिस्ट्रिक्ट में काफ़ी फंड्स का फ्लो भी होना है, मनी का फ्लो भी होना है, उससे विल बी अराउंड 900 करोड़ कठुआ डिस्ट्रिक्ट में अवार्ड मनी जो है वो जो लैंड कंपनसेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होना है केवल एक्सप्रेस वे।